नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीफ्राइड। टीवी के फेमस रियलिटी शो बिग बॉस के 14वें सीजन को शुरू हुए दूसरा हफ्ता हो चुका है। इसी के साथ ही साल 2020 के 40वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट सामने आ चुकी है। हालांकि इस हफ्ते भी कुंडली बाके ने पहले पायदान पर कब्जा जमाया हुआ है। वहीं सलमान खान के बिग बॉस 14 और नागिन 5 जैसे कई शोज ऐसे भी हैं जो टॉप 5 में अपनी जगह नहीं बना पाए। आइए देखें इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में किन किन शोज को जगह मिली है। धीरज धूपर और श्रद्धा आर्या स्टारर शो कुंडली बाग्या दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। ये शो 40वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट में भी पहले स्थान पर है। राजन शाही का नया शो अनुपमा घर घर में पसंद किया जा रहा है। रूपाली गांगुली स्टारर ये शो इस बार भी दूसरे नंबर पर है। पिछले हफ्ते शो कुमकुम बाग्या चौथे स्थान पर था, लेकिन इस हफ्ते इसने टॉप 3 में अपनी जगह बना ली है। इस हफ्ते ये शो तीसरे पायदान पर है। इंडियाज बेस्ट डांसर में मलाइका अरोड़ा की एंट्री के बाद दर्शकों का उत्साह शो को देखने का और बढ़ गया है। इसका फायदा टीआरपी लिस्ट में भी देखने को मिल रहा है। ये शो लिस्ट में चौथे नंबर पर है। वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने अपनी 5वें नंबर पर जगह बनाई हुई है। सब टीवी का मशहूर कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस हफ्ते 5वें स्थान पर है। वहीं नागिन 5 और बिग बॉस 14 इस टॉप 5 लिस्ट में गायब नजर आ रहे हैं। अभी तक बिग बॉस के 14वें सीजन को वैसी टीआरपी नहीं मिल रही है जैसी 13वें सीजन को मिली थी। बिग बॉस के मेकर शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शो के कंटेस्टेंट इतना अच्छा कंटेंट नहीं दे पा रहे जिसकी वजह से दर्शक इस शो के साथ जुड़ पाए। फिलहाल आने वाले दिनों में बिग बॉस की टीआरपी में उछाल आता है या नहीं, यह बात देखने वाली होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।